सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इवन और ऑड परम्यूटेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वर्सन्स। इन्वर्सन्स क्या है, उस इन्वर्सन्स के बाद फिर हम लोग इवन और ऑड परम्यूटेशन के बारे में बताएंगे। बहुत आसान मेथड है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसानी से इसको इवन और ऑड परम्यूटेशन को आप सीख जाइएगा। तो चलिए देखते हैं इन्वर्सन्स। लेट f इज इक्वल टू, ये परम्यूटेशन हम लोग सपोज कर रहे हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट n है, और यही 1 2 3 डॉट डॉट n को यहाँ पर अलग तरीके से अरेंज करके लिखे हुए हैं, जिसको हम लोग a1 a2 a3 डॉट डॉट an से डिनोट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई अलग नंबर नहीं है, बल्कि इसी नंबर को अरेंज करके लिखा गया है, और जो फर्स्ट में जो नंबर आएगा उसी को a1 माना गया। मान लीजिए 1 का इमेज अगर 3 है तो 3 को ही हम लोग यहाँ पर a1 कर रहे हैं। तो ये कोई परम्यूटेशन हो गया और डिग्री n का है। द पेयर आई के इज सेट टू बी रेगुलर इफ आई माइनस के एंड ए आई माइनस ई के बोथ हैव द सेम साइन। अगर कोई पेयर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जैसे आप 2 और 3 को ही ले लीजिए, तो 2 3 जो पेयर है, इस पेयर में 2 और 3 का डिफरेंस निकालिए और फिर इसके इमेज का आप डिफरेंस निकालिए a2 माइनस a3 का। अगर दोनों का सेम साइन है, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो वैसे पेयर को हम लोग कहेंगे रेगुलर। ai माइनस k और ai माइनस ak का बोथ का दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अगर ये पेयर हम लोग लेते हैं तो दोनों 2 और 3 का डिफरेंस करेंगे और उसके इमेज का डिफरेंस करेंगे, अगर दोनों का सेम साइन आ गया तो इसको रेगुलर कहेंगे। हो सकता है दोनों का साइन नेगेटिव भी हो, तो नेगेटिव होने पर भी वो क्या कहलाएगा, रेगुलर। लेकिन अगर एक का साइन नेगेटिव और दूसरे का साइन पॉजिटिव आ जाए तो वैसे केस में कहेंगे अदरवाइज इरेगुलर। इस ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे। और नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर्स डिनोट्स नंबर ऑफ इन्वर्सन्स। इसमें जितना भी इरेगुलर पेयर होगा उसी को हम लोग इन्वर्सन कहते हैं। तो नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर इज नंबर ऑफ इन्वर्सन्स। आप एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करते हैं एफ कोई एक परम्यूटेशन है 1 2 3 1 2 3। आप यहां पर देखिए 1 और 2 का डिफरेंस, 1 और 2 का डिफरेंस क्या रहा है, नेगेटिव। इसके इमेज का डिफरेंस निकालिए, 1 माइनस 2 का भी नेगेटिव। तो यहां पर दोनों का सेम साइन है, मतलब जो पेयर 1 2 बन रहा है, 1 2 कैसा हो गया, रेगुलर। अब 1 3 एक पेयर बनाते हैं, तो 1 माइनस 3 ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, और इसका इमेज लिखिए 1 का इमेज और 3 का इमेज, तो ये 1 माइनस 3 भी क्या हो गया, नेगेटिव। दोनों का सेम साइन हो गया, तो 1 और 3 जो है वो भी रेगुलर हो गया। और फिर और क्या पेयर बन सकता है, 1 2 हम लोग पेयर बना लिए, 1 3 पेयर बना लिए, फिर 2 3 बन सकता है। तो आप 2 3 का डिफरेंस निकालिए, 2 माइनस 3 ये भी नेगेटिव, और इसके इमेज का डिफरेंस निकालिए 2 माइनस 3 ये भी नेगेटिव। तो दोनों का सेम साइन हो गया, मतलब 2 3 जो पेयर बन रहा है वो भी रेगुलर हो गया। तो यहाँ पर जितना भी पेयर बन रहा है, यही 3 पेयर्स बन रहा है यहाँ पर, 1 2 1 3 और 2 3, तो ये प्रत्येक पेयर जो है वो रेगुलर है, यानी कि कोई भी इरेगुलर पेयर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वर्सन्स क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ इन्वर्सन्स, ये नंबर ऑफ इन्वर्सन्स जो है वो 0 हो गया, एक भी इन्वर्सन्स इसमें नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एफ इज इक्वल टू, एक परम्यूटेशन ले रहे हैं 1 2 3, या 3 1 और 2 ले लिए, कि 1 का इमेज 3 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है। आप देखिए 1 और 2 एक पेयर में बना रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 हो गया नेगेटिव, और 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके इमेज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो ये जो पेयर बन रहा है 1 2 1 2 पेयर कैसा हो गया, ये पेयर हो गया इरेगुलर,
ये इरेगुलर हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है, इसका नेगेटिव साइन है और इसका पॉजिटिव साइन है, तो ये इरेगुलर पेयर हो गया। अब हम लोग 1 3 को देखते हैं, तो 1 -3 आ रहा है नेगेटिव और 3 -2 उसका इमेज को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसीलिए जो 1 3 पेयर जो बन रहा है वो भी कौन सा पेयर हो गया, इरेगुलर। और एक और पेयर बनेगा 2 3, तो उसको हम लोग देखते हैं 2 -3 आया नेगेटिव और उसका इमेज जो आ रहा है 1 -2 ये भी आ रहा है नेगेटिव। तो ये जो पेयर बन रहा है दोनों में सेम साइन आ रहा है, यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का सेम साइन आ रहा है, तो ये जो पेयर बन रहा है 2 3 ये पेयर हो गया रेगुलर। तो नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर कितना है, 2 है, तो यानी कि 2 इन्वर्सन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस परमुटेशन में नंबर ऑफ इन्वर्सन्स कितना है, नंबर ऑफ इन्वर्सन्स 2 है, और इसमें नंबर ऑफ इन्वर्सन कितना था, नंबर ऑफ इन्वर्सन्स यहाँ पर एक भी इरेगुलर पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ इन्वर्सन्स जो है वो इन्वर्सन 0 है और इसमें नंबर ऑफ इन्वर्सन 2 है। और मैं एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, F इज इक्वल टू कोई दूसरा परमुटेशन ले रहा हूँ 1 2 3, मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 2 और 1, तो आप इसको देखिए यहाँ पर इन्वर्सन्स कितना आएगा। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी इन्वर्सन्स को चेक कर सकते हैं, बड़ा आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 3 इज ग्रेटर देन 1 था, अगर ये फर्स्ट वाला नंबर अगर सेकेंड वाला नंबर से बड़ा है तो ये एक इन्वर्सन हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 था तो ये भी एक इन्वर्सन हो जाएगा, और 1 इज स्मॉलर देन 2 है तो ये इन्वर्सन नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है पेयर का वो बड़ा होना चाहिए उसके नेक्स्ट वाला से, अगर वैसा हो तो वो इन्वर्सन हो गया, 3 1 एक इन्वर्सन हो गया, 3 2 एक इन्वर्सन हो गया, लेकिन 1 इज स्मॉलर देन 2 तो ये इन्वर्सन नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2 तो ये एक इन्वर्सन हो गया, एक इन्वर्सन यहाँ पर आया जिस किसका पेयर बन रहा था 1 2 का, तो ये 1 2 का आप इमेज देखिएगा तो 1 2 का इमेज जो है इमेज में से ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये एक इन्वर्सन हो जाएगा। और एक फिर आप देखिए 3 1 3 इज ग्रेटर देन 1 ये भी एक इन्वर्सन हो गया, तो ये किसका पेयर है 1 3 का, तो 1 3 पेयर भी इन्वर्सन आ गया। और फिर 2 इज ग्रेटर देन 1 एक जो 2 3 पेयर बन रहा है उसका इमेज आप चेक कीजिए, तो 2 3 का जब इमेज हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये भी एक इन्वर्सन हो गया, ये तीनों जो है वो इन्वर्सन या इरेगुलर पेयर्स है। तो नंबर ऑफ इन्वर्सन्स यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 नंबर ऑफ इन्वर्सन्स आ रहा है 3। तो आप जरा ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ इन्वर्सन्स इवन हो, नंबर ऑफ इन्वर्सन्स इज इक्वल टू 0 हो या इवन हो, तो वैसे परमुटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इवन परमुटेशन कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ इन्वर्सन्स अगर ऑड हो तो वैसे परमुटेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड परमुटेशंस कहेंगे, ऐसे परमुटेशंस को हम लोग ऑड परमुटेशंस कहेंगे। तो यहां पर जो मैं एग्जाम्पल बताया हूँ कि ये कैसा हो गया, नंबर ऑफ इन्वर्सन 0 है तो ये हो गया इवन परमुटेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन भी 2 है इवन है तो इसीलिए ये भी हो गया इवन परमुटेशन, और यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वर्सन जो है वो ऑड है 3 है तो ये कैसा परमुटेशन हो गया, ऑड परमुटेशन। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है ये इवन परमुटेशन, ये भी इवन परमुटेशन, ये भी ये ऑड परमुटेशन हो गया। तो बड़ा आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं इवन और ऑड परमुटेशंस को। मुझे उम्मीद है कि आप इवन और ऑड परमुटेशंस समझ गए होंगे। इसका एक और तरीका होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से, कि नंबर ऑफ किसी भी परमुटेशंस को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन हो तो इवन परमुटेशंस, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड हो तो उसको हम लोग ऑड परमुटेशंस कहते हैं। तो मैं वो भी किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को आगे भी देखिएगा
जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।